नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रियासत की जो भारत देश के स्वतंत्र होने के 2.5 साल बाद यानी 1 अगस्त 1949 को भारत देश में शामिल हुई। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी रियासत की, जिसका इतिहास सालों पुराना है। सन 1803 ईस्वी में चतुर्दशी की रात से लगातार 7 दिन और 7 रात तक भूकंप और मूसलाधार बारिश हुई। भयंकर त्रासदी और भीतरघात के कारण गुरखे गढ़वाल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। आपको बता दें कि गोरखा सैनिकों ने 1790 से कई बार गढ़वाल पर आक्रमण किया, परंतु गढ़वाली सैनिकों के शौर्य के आगे टिक नहीं सके। 14 मई 1804 ईस्वी को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न साथ गोरखों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। 1804 से 1815 तक गोरखों ने गढ़वाल पर भीषण अत्याचार किया, जिन्हें गुरखैणी के नाम से जाना जाता है। गोरखों के डर से लोगों ने अपना कीमती सामान खेतों में गाड़ दिया और गांव के गांव खाली कर दिए गए। गुस्साए गोरखों ने हजारों लोगों को बुरी तरह मार दिया। प्रद्युम्न शाह के वीरगति को प्राप्त होने के बाद उनके पुत्र सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठे। 1815 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद से गोरखों को हराया और अपनी राजधानी के लिए भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर स्थित भूमि का चयन कर टिहरी नगर की स्थापना की। 1887 ईस्वी में महाराजा कीर्ति शाह ने टिहरी शहर में राजमहल का निर्माण करवाया और एक ऐतिहासिक घंटाघर भी बनवाया। आज यह घंटाघर टिहरी झील में समा चुका है, लेकिन जलस्तर घटने पर आज भी वह मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, तब टिहरी रियासत राजशाही के अधीन थी। देश की आज़ादी के साथ ही टिहरी में भी मुक्ति के लिए संघर्ष तेज हो गया। टिहरी रियासत में अहिंसक सत्याग्रह को मजबूत बनाने के लिए क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन की अहम भूमिका रही। टिहरी जेल में उन्होंने बहुत यातनाएं झेली और मई 1944 से राजशाही के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। 25 जुलाई 1944 को उन्होंने जेल में ही अपने प्राण त्याग दिए। घबराए सैनिकों ने उनका शव पत्थरों से बांधकर बिलंगना नदी में फेंक दिया। 16 जनवरी 1948 को क्रांतिकारियों ने राजधानी पर कब्जा कर लिया और राजशाही के खिलाफ नारे लगाए। शांति बनाने के लिए भारत सरकार ने विलय प्रक्रिया शुरू कर दी और टिहरी रियासत को भारतीय संघ में विलय कर टिहरी के लोगों को असली आज़ादी दी। आपको बता दें कि टिहरी रियासत के अंतिम शासक मानवेंद्र शाह रहे।